जोखिम में जान, खतरा सामने, खतरा आगे, खतरा पीछे, खतरा दाएं, खतरा बाएं, खतरा। ये खतरा क्यों है, किस लिए है? मसला खुनेरी गांव का है, चमोली का। और आज जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सवाल है। मेरा गांव मेरा देश, ये वो मुहिम है जिस मुहिम के जरिए हम जिम्मेदार महकमे को जगाते हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, आपकी मूलभूत समस्याओं को लेकर। देश में तमाम चैनल्स तो हैं, लेकिन कोई इस मुद्दों को लेकर आपकी आवाज नहीं। आपकी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार महकमे को कोई नहीं जगाता। मेरा गांव मेरा देश एक ऐसी मुहिम है जिसके जरिए हम आपकी यानी कि जन समस्याओं को लेकर जिम्मेदार महकमे से सवाल पूछते हैं। ना सिर्फ सवाल पूछते हैं, बल्कि उस जिम्मेदार महकमे को जगाते भी हैं जो कुमकुंडनी नींद सोया। आज आपको लेकर चलते हैं चमोली, खुनेरी गांव। वहां मोटर मार्ग की हालत इतनी खराब है कि ग्रामीणों ने अनशन तक कर दिया, अनशन। लेकिन उसके बावजूद आज तक उनकी सुनी नहीं। चुनाव भी हो गया, नए विधायक भी आ गए, और आज पूछेंगे चमोली के खुनेरी गांव के मोटर मार्ग का जिम्मेदार कौन है इस हालात का। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे आज मेहमानों की तरफ और जिम्मेदार महकमे को जगाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हैं चमोली के खिनूरी गांव के मोटर मार्ग की। चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के गांव खिनौरी मोटर का हाल बेहाल है। 9 किलोमीटर की दूर की सड़क है, बड़ी ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक मोड़ है, मगर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। जब से ये रोड बनी, इस रोड की स्थिति बहुत गंभीर हो रखी सर। इसमें कोई इसके रोड पे किसी ने देख रेख नहीं किया, चाहे कितने विधायक बन गए, अभी तक किसी विधायक ने इस पर वो नहीं किया, गौर नहीं किया सर। विधायक ने इससे पहले तमाम कई पत्रकार और हमारे मीडिया से, हमारे प्रशासन से, हमारे नेता और यहाँ तक कि तीन मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, मंत्रीगण, ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष से लेकर हमारे तमाम जितने भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वे इस रोड पर आ चुके हैं और एक नहीं तकरीबन 10-10 बार यहाँ पर आ चुके हैं। और तो आप देख रहे हैं जो रोड की स्थिति है, कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप स्वयं आप यहाँ पर देख चुके हैं कि रोड की स्थिति आपने चमोली से देखी होगी कि जैसे मेरे से जो कि पूर्व जो कि तमाम जो कि मेरे जो कि अग्रज लोगों ने जो कि यहाँ पे हमारे जो कि प्रधान ने जो कि इस रोड की जो कि जो समस्या के बारे में इतनी सारी जो कि जो बातें जो कि वास्तव में जो है कि आप भी जो कि इस रोड से चमोली से जो कि यहाँ होके आए हैं कि आपने भी जो कि देखा कि इस रोड की ऐसी जो है कि बिल्कुल दर्दनाक ऐसी जो कि घटना ऐसी जो कि बिल्कुल जो खतरनाक जो कि कंडीशन जो कि हो रखी है। इस पर कई बार जो है कि काम जो है कि आ चुके हैं, लेकिन उस काम का जो कि नतीजा कुछ भी जो है कि दिख नहीं रहा है सड़क पर। ये सड़क की स्थिति ज्यों की जो है कि त्यों पड़ी है। वैसे तो कई बार चमोली प्रशासन और पीएमजीएसी विभाग को अवगत कराया गया, फिर भी मोटर मार्ग की हालत तस्वीरों में बयां हो रही है। आपको बता दें, चमोली से खिनौरी गांव की सड़क 2008 में स्वीकृति हुई थी, लेकिन 2013 की आपदा में सड़क नहीं रही। हालात ये हो गए हैं कि कई बार हमने अनशन भी किया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं सुधर पाई। इसमें ऐसा है कि इसमें जो है ये जो रोड है, इसमें स्टार्टिंग का जो पूरा पार्ट है तो वो दैवीय आपदा से बहुत डैमेज है, तो जिसके संबंध में जो है बहुत शिकायतें हमको भी मिली थी और डीएम साहब के भी संज्ञान में थी। फिर जो है उन्होंने एडीएम साहब को और हमको जो है एक कम्बाइंड कमेटी बना के उन्होंने भेजा था साइड पे, देन उसमें उसकी भी रिपोर्ट है। फिर उनके आधार पर हमने पूरा एक एस्टिमेट भेजा हुआ है, उसमें पूरी रोड का रिलेइंग होना है उसमें, और वो जो है 3 करोड़ के लगभग का है। तो अभी वो शासन स्तर पर है, तो जैसे ही वो सेंक्शन होता है तो उसके बाद उसमें हमारा जो है दोबारा काम हो जाएगा शुरू। और रही बात कहीं कहीं पे उसमें क्या है कि हमने उसमें दैवीय आपदा में हमने कुछ छोटे छोटे एस्टिमेट्स भी उसमें भेजे हुए हैं, तो जिनमें अभी हमारा लगभग जनवरी स्टार्टिंग में उसमें हमको डीएम साहब के यहाँ से सेंक्शन मिला था। फिर उसमें हमने टेंडर इन्वाइट करे थे,
बट उसके बाद क्या हुआ था कि आचार संहिता स्टार्ट हो चुकी थी, तो ड्यू टू दैट वो फिर वो होल्ड हो गए थे वो टेंडर। गांव से ग्राम प्रधान रेखा बिष्ट, यहाँ पर जो है कि रोड 2008 से यहाँ पर जो रोड है इसकी कई परेशानियाँ हैं। मैं यहाँ से डीएम कई बार 10 बार मैं डीएम के पास भी चली गई, उन्होंने भी इस रोड का कोई कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। और 3-3 मुख्यमंत्री बने उनके पास भी मैंने इस सड़क की जो है एप्लीकेशन है उनके पास भी दे चुकी हूँ, और हमारे जो विधायक थे उनके पास भी मैं ये रोड के बारे में उनको भी बता चुकी हूँ। और वहाँ गोपेश्वर में PM JSC के पास भी गई और एक्शन के पास भी वहाँ पे गई, किसी ने भी हमारी रोड की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ की जो रोड है हमारी इस पर जो है कि हमारे ड्राइवर भाई अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस रोड पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, और शासन प्रशासन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वैसे में सवाल ये है कि आखिर कब बनेगा मोटर मार्ग, कौन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार, और सवाल ये भी कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, जब तक खबर का असर नहीं होता तब तक उस खबर को चलाते हैं। इसी मुहिम के जरिए मेरा गांव मेरा देश आज चमोली पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं और उन्हीं खबरों के जरिए जिम्मेदार महकमे को हम जगाते हैं। चमोली रुक करेंगे जहां पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी पुष्कर जुड़े हुए हैं। पुष्कर के पास सीधा रुक करेंगे जिन्होंने इस खबर को आप तक पहुंचाया और चमोली की आवाम की आवाज को उठाया। चमोली खुनेरी गांव, पुष्कर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये खुनेरी गांव पड़ता कहाँ है चमोली में, किस मोटर मार्ग का हम जिक्र कर रहे हैं और ये समस्या क्यों आज जस की तस बनी हुई है। पुष्कर बिल्कुल देखिए तिलक, ये ज़्यादा दूर नहीं है मुख्यालय से। गोपेश्वर की बात करो तो गोपेश्वर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी से रोड जो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है इस पर कटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तिलक इसमें यह है कि जिस मोटर मार्ग से ये रोड कटा हुआ है वहाँ पर जो है तहसील चमोली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड के हाल ऐसे, क्योंकि जब तक लगातार जो है जो जब अपर चमोली की इसको कहते हैं यहाँ पर SDM बैठता है आपका, BDO बैठता है आपका, तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर बैठता है और यहाँ से जो इसकी दूरी 9 किलोमीटर की दूरी पे ये मार्ग है, ये गांव है जो खैनूरी गांव है दसोली ब्लॉक का है। यहाँ की जो 2008 में इस रोड को स्वीकृति मिली थी उसके बाद इस पर कटिंग हुई, कटिंग के साथ साथ रोड का जीर्णोद्धार यहाँ पे किया गया था, लेकिन जब 2013 की आपदा आई थी उस समय से और अभी तक इस रोड का संज्ञान अभी से किसी ने लिया है, चाहे वो भाजपा की सरकार आई हो चाहे वो आपकी कांग्रेस की सरकार आई हो। तो लेकिन जब तिलक सबसे बड़ी बात यह है कि ये खबर हमने तब उठाई, इससे पहले हमने लासी गाँव की एक खबर उठाई थी तिलक, उस खबर का असर हमारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम यहाँ पे गई थी, इस खबर को उठाया और जैसे ही हमारी ये खबर चली उसके बाद जो है खैनूरी गाँव के प्रधानों का हमको भी फोन आया कि सर आप आइए, आपका जो चैनल है वो अच्छे मुद्दे उठाते हैं, तो हम इनके गांव पहुंचे और हमने इनके खबर उठाई और आज हमने इनकी खबर चलाई। और हालांकि तिलक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम DM साहब के पास बाइट करने गए थे, लेकिन उससे पहले जो है कि प्रधान ने जो है अधिकारियों को समझ अधिकारियों को कल यहां से फोन कर दिया था कि यहां पे न्यूज यहां पे जो है कुछ रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं, कुछ पत्रकार यहां पे पहुंचे हैं, तो DM चमोली ने जो है इसमें एक मीटिंग एक समिति भी इसमें बना दी गई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, क्योंकि इस सड़क के हाल ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन या तो हम कह सकते हैं विभाग की उदासीनता हो या जो इसके क्षेत्रीय जो चाहे विधायक हो या क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि चाहे प्रधान हो चाहे वर्तमान प्रधान हो चाहे उससे पहले के प्रधान हो, उनकी उदासीनता के कारण ये पुष्कर इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, इस कार्यक्रम की मुहिम भी यही है कि जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार महकमा, मंत्री से लेकर संतरी तक, विधायक से लेकर अधिकारी तक जवाब तो देना पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय है उसको जवाब तो देना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर मैं बात खुनेरी गांव की करूं तो क्या ये रास्ता बद्रीनाथ भी जाता है, यही रास्ता बद्रीनाथ जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सड़क जो मुख्य नेशनल हाईवे है उससे कटी हुई है, उसे
उससे ही कटी हुई है, उससे ब्रांच रोड इसको कहते हैं हम। ये जो खैनूरी गांव का जो इलाका है, ये ब्रांच रोड से कटा हुआ, जो नेशनल विधायक कौन है पुष्कर, विधायक कौन है? तो हालांकि पुष्कर विधायक कौन है, यहाँ पे संज्ञान जरूर लिया है आज, और डीएम ने जो आदेश दिए हैं, यहाँ पे एडीएम जो उन्होंने भी इसका यहाँ पे निरीक्षण किया है, और जो सीडीओ है इन्होंने भी यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है, और इसका डीपीआर जो बना के जो है शासन तक भेजा गया है। लेकिन अभी भी मेरे सहयोगी प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं लगातार इस बात को लेकर कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए और इस पर जवाब दे कि क्यों नहीं हो पाया। 2013 में आपदा आई, 2008 में अगर सड़क स्वीकृत हुई, 2013 में आपदा के आने के बाद अब तक क्यों नहीं सड़क बन पाई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार विभाग के अधिकारी लगातार हम फोन मिला रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात पुष्कर मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां विधायक कौन है, किसका क्षेत्र पड़ता है विधानसभा? पुष्कर बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा है, इससे पहले यहाँ पे भाजपा के महेंद्र भट्टी इससे पहले यहाँ पे विधायक थे जो भाजपा के थे, और इस समय जो है राजेंद्र भंडारी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ पे चुने गए हैं। तिलक पुष्कर एक बात और जानना चाहेंगे, हमारे साथ शिवम रावत जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम नहीं कौन है शिवम रावत, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ उनसे बात करने का। शिवम रावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम रावत जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। आप कौन बोल रहे हैं? शिवम रावत जी, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरी किन से बात हो रही है शिवम रावत जी? मैं जो शिवम रावत बोल रहा हूँ, मैं सहायक अभियंता हूँ पीएमजीएसवाई में। जो प्रधानमंत्री गरम शिवम जी, एक मसला मैं आपके संज्ञान में लेकर आना चाहूंगा। मसला है चमोली का, खुनेरी गांव है सर, खुनेरी गांव का मोटर मार्ग जो है पिछले 2013 से आपदा की भेंट चढ़ गया और आज तक बन नहीं पाया, 9 साल हो गए सर। और ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सड़क योजना के तहत है ये, और वो जिम्मा आपके पास है, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी सही है, वो जो रोड है वो हम हमारे अंडर में है, बल्कि आपके जो है आपके साइड से आज 2-3 लोग भी आए थे हमारे, और मेरी उन्होंने जो है बाइक भी ली है जी। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने उनको बताया है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ था जी? ये जो मोटर मार्ग है ये जो है 2015 में इसमें पेंटिंग का काम हो चुका था, तो जब 95% ऑलमोस्ट इसमें काम हो चुका था, देन क्या हुआ कि उस दौरान जो मानसून था, तो मानसून में ये रोड बड़ा डैमेज हुआ था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये जब डैमेज हुआ, तो फिर डैमेज के बाद ये जो है 2-3 साल तक ये ठेकेदार का भी इसमें कोई जो है मिस्टेक नहीं रहा, बिकॉज ये दैवीय आपदा से डैमेज रहा। फिर उसके बाद जो है फिर इसका उसके बाद जो है जो ठेकेदार है उसका बॉन्ड फाइनल हो गया था। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो जो दैवीय आपदा से जितना डैमेज हुआ है, तो उसका हमने फिर एस्टिमेट बना के हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है शासन लेवल पे। सर एक बात जान सकता हूँ रावत सर? जी, पहले आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम अधिकारी होते हैं जो समस्याओं को लेकर गंभीर होकर अपनी बात को रखते हैं। थैंक यू सो मच आप इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन रावत जी एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस समस्या का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 8 साल हो गए सर, हो गए ना, 2013 से अगर मैं देखूं तो 8 साल होने को आए सर, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा इसका कि नहीं? 2013 से ऐसा जिम्मेदार तो आप, मैं ऐसा आपको क्या बताऊं अब इसमें? नहीं आप ही नहीं बताएंगे सर, क्योंकि आपके अगर कंधों पर जिम्मा है तो आप ही बताएंगे सर। देखिए वैसे तो जो है आपने मुझे ऐसा बताया नहीं कि आप जो लाइव हैं, ये सब चीजें ऐसा वैसे तो जो है आपको आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए था। नहीं नहीं, थ्रू का चैनल सर, चैनल के थ्रू ही मैं आपके पास पहुंचा हूं। हमारा चैनल इस खबर को करके लाया और वो खबर 2013-15 से अगर आपदा आई, आपदा की भेंट चढ़ गया, उसके बाद अब तक सड़क नहीं बनी, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ अब कौन सा चैनल आप मुझे बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं रावत सर, इस वक्त मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं और वो हालात दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर आप सुनना चाह रहे हैं वहां के लोगों का हाल तो सुन लीजिए सर एक बार, प्लीज प्लीज बताइए पुष्कर सर। जरा ये जा रहे हैं, जरा ये ड्राइवर से ही आप बात कर लीजिए कि किस तरह से जान में जोखिम में डाल के अपनी यात्रा करते हैं,
और इनके साथ यात्री भी बैठे हुए, आप इन्हीं से बात कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। खेंद्री गांव का जा रहे हैं ये लोग जी, खेंद्री गांव जा रहे हैं आप लोग जी, खेंद्री गांव जी। आप सफर तय करके आए, जान जोखिम में डालकर आए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि वहां की जो मूलभूत समस्या क्या है, वहां किस तरह से वो सड़कों का जो आप, क्योंकि खुद ड्राइव करके आए हैं, क्योंकि अभी खुद रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास ये जिम्मा है, कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? रोड की सर स्थिति बिल्कुल खत्म है, और रोड कुछ नहीं है, खनूरी की रोड बिल्कुल डैमेज है। बोलिए जी। जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे अधिकारी महोदय को? सर मेरा नाम पंकज फरसवान है और रोड की स्थिति बिल्कुल खराब है, जबकि डिस्ट्रिक्ट के सबसे नजदीकी गांव है यहां पर, और रोड की स्थिति ऐसी है कि मतलब पूछो ही मत। आप कहां के रहने वाले हैं पंकज जी? खेनुरी। आप उसी गांव के रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात जान सकता हूँ कि इसी गांव, कभी आप लोगों ने जिम्मेदार विभाग को या आपके जो पूर्व विधायक रहे, मौजूदा विधायक है, कभी उनको इस बारे में अवगत करवाया कि कब बनेगी सड़क? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल अवगत कराया था कि सड़क का कुछ करो, कुछ विकास करो, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी, खाली खाली आश्वासन दिया कि कर लेंगे बस, उसके बाद कोई देख ही नहीं रहा। यहाँ हादसा होता है? हादसा होता है। हाँ। डर लगता है यहाँ से गुजरने में आपको? समय लगता है, वैसे तो रोड अच्छी होती तो 15-20 मिनट का रास्ता था, लेकिन समय लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। हमने तो सुना कि ऑल वेदर रोड बन रही है वहां पर, आप कह रहे हैं रोड नहीं है। डर लगता है क्योंकि रोड की स्थिति बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल खराब है। रावत जी सुना आपने, ये तो ये वहीं के बाशिंदे हैं, ये आप जिनको सुन रहे हैं ये वहीं उसी गांव के बाशिंदे हैं। अभी आ रहे थे रास्ते में तो मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से, तो उन्होंने उनसे बात करवा दी। सुना रावत जी आपने, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मेरा इसमें जो कहना क्या है कि एक्चुअली क्या है कि रोड की हालत वाकई काफी दयनीय है, और ये जो बता रहे हैं कि जो बहुत सारे उसमें डैमेजेस हुए हैं, तो हाँ सीरियसली इसमें डैमेजेस हुए हैं, और बल्कि जो है डैमेजेस का संज्ञान लेते हुए हमारे जो है माननीय डीएम साहब ने भी इसमें एक जांच रखी थी, जिसमें हम लोग भी थे, एडीएम साहब लोग भी थे, और जो जियोलॉजिस्ट की भी इसमें विजिट हुई है। तो आफ्टर दैट इसमें जो उसका कंक्लूजन निकला था, तो कंक्लूजन के तहत इसमें जो है एक दोबारा एस्टिमेट हमने बनाया था। नहीं रावत सर, इसकी जिम्मेदारी आपने जांच की, इसका फिर जिम्मेदार कौन निकला, किस वजह से ये हालात हुए? जिम्मेदार देखिए, अब जिम्मेदारी वाली बात आप करें तो जो दैवीय आपदा है उसमें जो है जिम्मेदार कोई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैवीय आपदा बताकर नहीं आती है। मैं सर आपकी, सर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दैवीय आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन दैवीय आपदा बताकर नहीं आती तो 2015 के बाद से लेकर अब तक सड़क नहीं बनी सर, अब तक सड़क नहीं बनी। नहीं सड़क एक्चुअली क्या हुआ, 95% उस टाइम तक बन चुकी थी, बट उसके बाद जो है डैमेजेस होते रहे, ठीक है। तो इसमें जो है अब ऐसा भी नहीं है कि सड़क नहीं है, सड़क है, हाँ बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, वो तो हम भी मान रहे हैं। तो रावत सर कब तक हो जाएगा? वो डिपार्टमेंट का इसमें जो है, मैं डिपार्टमेंट की ओर से वैसे तो मैं ऑथराइज हूँ भी नहीं, बट वो तो आपने जो है वैसे मुझे फोन किया है तो मैंने, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि देखिए सर आप देखिए, हो ना हो आप वहाँ की जनता और आम जनता, क्योंकि आप मुलाजिम हैं तो इनके टैक्स के पैसे से ही आपको सैलरी मिलती है ना सर, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ सर, ये कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए वही मैं आपको जो है दोबारा जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लेवल से जो एस्टिमेट बनना था वो हमने थ्रू प्रॉपर चैनल हमने आगे भेजा है, बल्कि अभी शासन लेवल में होगा वो, लेकिन उसमें अभी तक सैंक्शनिंग हमको मिली नहीं है, तो जैसे ही उसमें सैंक्शन मिलता है देन उसमें फिर हम लोग टेंडर कॉल करते हैं, फिर जो है टेंडर कॉल करने के बाद उसमें जो भी हमको बिड मिलेगा तो वो उसमें काम करेगा। यानी इस प्रक्रिया में साल, दो साल, तीन साल लग सकते हैं? अब ये तो जो है, ये ना तो मैं इस चीज के लिए मैं ऑथराइज हूँ और ना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है कब
सैंक्शन होगा सर। फिर किससे जानकारी मिलेगी कब तक ये सैंक्शन हो पाएगा? ये जो सक्षम लेवल है ये अब मैं आपको वही अगेन आपको कह रहा हूँ कि मैं जो है ये सब चीजें आपको जो है बता नहीं सकता हूँ ना, मैं इस चीज के लिए पकड़ा नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं बता सकते, तो यानी मुझे लगता है कि इस आप जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से 2-3 साल लग सकते हैं। मे बी 2 साल लगे, या अगर जो है गवर्नमेंट के पास बजट हो और गवर्नमेंट चाहे तो अभी हमको दे दें, 10 साल से पहले दे दें। अब ये जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में है सर। अच्छा, तो मुझे लगा कि ऑल वेदर, ये ऑल वेदर रोड्स में नहीं आती थी ये रोड? नहीं, ये ऑल वेदर में वो नहीं आती, ये हमारी एक ब्रांच रोड है, ये मतलब विलेज रोड है हमारी। ओके सर, तो यानी आप इसमें डिफरेंट है, इसमें समस्या का समाधान जो है वो सिर्फ इंतजार में है। एक हिसाब से कह सकते हैं, हालांकि जहां जहां पे बहुत ही मेजर डैमेजेस हैं तो वहां पे हमने क्या क्या किया कि समय समय पे हमको माननीय डीएम साहब के यहाँ से हमको कुछ दैवीय आपदा में हमको कुछ एक रुपए हमको मिलते रहते हैं, कुछ एक फंड मिलता है हमको, तो उससे हम लोग जो है जहां जहां मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहां पे हम लोग दीवारें उसमें लगाते रहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है कि नहीं सर? नहीं, मैं मेरा आपको इसमें कहना यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे, लाइक सपोज हमारा जो रोड है वो 10 किलोमीटर का है, तो उसमें 2-3 पैचेस हमारे ऐसे होंगे कि जहाँ पे दीवार बिल्कुल ही वॉश आउट हो गई है, तो जहाँ पे दीवार वॉश आउट हो गई है, जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसी दीवार है वो लगवा देते हैं। ओके, लेकिन उसका बजट अलग होता है, और जो मेरा मेन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन एस्टिमेट जो हमने भेजा हुआ है वो अलग है। मेन एस्टिमेट मैं आपको बताऊँ तो लगभग 350 लाख का है वो अप्रोक्सीमेट, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमको बीच बीच में बजट मिलता है वो हमको 4 लाख तक ऐसे मिलता है। तो यानी खुदा ना खासा, देखिए सर, देवी आपदा तो आपको बताकर भी नहीं आएगी और मुझे बताकर भी नहीं आती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मेरे पास अगर जो है इतना बजट होता तो मैं तो खुद ही जो दीवार लगवा देता। नहीं सर, मैं जानता हूँ, अब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपके पास बजट होता तो आप घर से भी लगा देते, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अब तो समस्या का समाधान किसी को तो तलाशना होगा ना, तो वो कैसे निकलेगा समस्या का समाधान, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे। समाधान के लिए एक्चुअली वही है ना कि आप जो है सही प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां पे आवाज उठाएं, भाई हम तो उठाते हैं, हम तो जो है गवर्नमेंट, आप मुझे बता दीजिए मैं कहां इस आवाज को लेकर पहुंचूं, मैं पक्का पहुंचूंगा, प्रॉमिस। अभी मैं इस चीज के लिए अभी ऑथराइज नहीं हूँ, मैं आपको ये सर मुझे बता दीजिए किस ऑथराइज पर्सन से मैं बात करूं। रावत सर, कैन यू हियर मी? आप जो है सरकार से आप कर सकते हैं बस, मैं क्या देश के प्रधानमंत्री जी को फोन करूं? नहीं, ये तो ये स्टेट गवर्नमेंट मैटर है। नहीं सर, स्टेट का मैटर है तो धामी जी को फोन करूं? धामी सर को आपको फोन करना, अभी आप जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, आप वहां से बात। आपके डिपार्टमेंट के हेड कौन है सर? पीएमजीएसवाई के जो हेड हैं, आप जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। ओके, चीफ इंजीनियर साहब से बात करें। जी, चलिए, थैंक यू सर। ये मैं आपको जो है एक हिसाब से अनऑफिशियली बता रहा हूँ सर, ये ऑफिशियली बात जा रही है सर, आप लाइव हैं इस वक्त। Exactly. इसीलिए मैं आपको वही कह रहा था कि इस चीज के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ओके सर, आप मुझसे लगातार सवाल। नहीं सर, सवाल पूछना, मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि जो थ्रू प्रॉपर चैनल है वो हमने एस्टिमेट भेजा हुआ है सर, आप चैनल आप, जो माध्यम है आपको वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप जिस पद पर बैठे हैं सर, सवाल आप ही से बनते हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रावत जी। तो हमारे साथ इस वक्त वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी जी जुड़े हुए हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से आते हैं। भंडारी जी नमस्कार। नमस्कार चावला साहब, नमस्कार। कैसे हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल करिए विधायक जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, धन्यवाद है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट गलत तो साबित नहीं हुई न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की? नहीं, आपकी रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सही रही। आप, हाँ, रिपोर्ट तो खैर आपके साथ तो 2007 से ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हम, है ना भंडारी जी?
चलिए सबसे पहले आपको मुबारक कि जनता ने एक बार फिर से आपको मौका दिया और बड़ी जिम्मेदारी देखना चाह रही है जनता आपसे, जानते हैं ना आप। नहीं नहीं भंडारी जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के रूप में आपको वहाँ की आवाम देखना चाह रही है, मेरा इशारा समझ रहे हैं ना आप। आप ये होई सोई जो राम रचि राघा होगा वही तो ईश्वर ने बना रखा होगा। अब बाकी हम तो केवल प्रयास करने वाले लोग हैं, हमारा काम है कर्म करना। नहीं, आपके प्रयास की मैं हमेशा सराहना करता हुआ आया हूं और खुले मंच पर अभी भी करूंगा। मैं जानता हूं, मैंने आपसे हमेशा हर बात एक बात कही है भंडारी जी, कि आप खिलाड़ी होने के साथ साथ सियासत के खिलाड़ी भी बन गए। मैंने 2007 में ये बात कही थी आपसे। बिल्कुल बोली थी। है ना भंडारी जी। अच्छा, मैं एक गंभीर विषय को आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये चमोली की आपका यहाँ पर एक खेनेरू गाँव है, खुनेरू, वहां पर मोटर मार्ग खराब पड़ा है पिछले 7-8 साल से। 2015 में जब देवी आपदा आई थी उसके बाद से जो है खराब पड़ा है 2013 से। ये आपके संज्ञान में मामला लेकर आना चाह रहा हूँ। अभी ये रावत जी जुड़े थे हमारे साथ। बिल्कुल, मेरी विधानसभा का मामला है और ये गांव खंगड़ी है, दसूली विकास खंड के बिल्कुल पास में है। जब ये पीएमजीएसवाई में रोड काटा था तब भी ये मानकों के अनुसार नहीं काटा गया और तब से लेकर के आज तक गांव वाले डेली धरना प्रदर्शन मांग उठा रहे हैं कि सड़क ठीक करो। आज तक जो है विभाग सोया हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिया गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ खाना पूर्ति कर दी गई है, करोड़ों का घोटाला इस रोड के अंदर कर दिया गया है पर लोगों को आज तक रोड सुगम नहीं हो पाई है। करोड़ों का घोटाला हो गया कि संबंधित विभाग के जो भी संबंधित जिन्होंने भी इस तरह के घोटाले किए हैं, चाहे अधिकारी है चाहे कुलीरी है, उनके खिलाफ तत्काल जांच होनी चाहिए, तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और गांव वालों को जो गांव के लंबे समय से इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा मोटर मार्ग मिले, पेंटिंग वाला रोड मोटर मार्ग मिले, सुगम मिले, ऐसी मेरे। आपकी भूमिका इसमें क्या रहेगी विधायक जी? हमारी भूमिका, मैं विधानसभा के अंदर भी इसमें निश्चित रूप से प्रश्न रखूंगा कि आज तक कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है, रोड की हालत क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सारी चीजें स्टेटस में रखूंगा, विधानसभा में भी रखूंगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई जवाब आएगा, मैं आपको जवाब में भी बताऊंगा। भंडारी जी, मैं एक चाह रहा हूँ, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे चलते चलते। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सदन में तो मामला उठाएंगे और पूछेंगे भी, लेकिन वहां की जनता को ये महसूस होना चाहिए कि भंडारी जी वापिस आ गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं सर? सर बिल्कुल 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 बिल्कुल, उन्हीं उसी जनता ने मुझको वापस किया है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग वापस हो पाए हैं। और बिल्कुल हम सरकार में तो हम नहीं है, हम लोग विपक्ष में है, जो विपक्ष की भूमिका होती है निश्चित रूप से। नहीं नहीं भंडारी जी, निर्माण मजबूती, भंडारी जी आप सियासत के वो हनुमान है, आपको शक्तियां याद दिलानी पड़ती है बार बार। आप सर 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 आप भंडारी जी अपनी शक्तियां पहचानिए, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के फेवरेट हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर एक बार फोन करके अधिकारी को बोलेंगे कि सड़क बनाओ तो सुबह तक सड़क बनने लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। सड़क तो बनानी पड़ेगी, संबंधित जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है अगर नहीं बनानी होगी तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई भी होगी। नहीं अभी आप दोराय की बात नहीं, पर अभी ये नहीं चलेगा, चोरी चकारी का खेल नहीं चलेगा। ये मुझे अभी बता रहे थे चीफ इंजीनियर साहब को कॉल करके, अगर आप बोल देते तो समस्या का समाधान हो जाता। भंडारी जी मैं आज ही बोल देता हूँ चीफ इंजीनियर को, आज ही फोन करके मैं उनसे बात कर देता हूँ। तो आप तुरंत अभी फोन कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, करके आपकी रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा कि मेरी क्या क्या वार्ता हुई है। चलिए ठीक है भंडारी जी, लेकिन आपको मेरी आदत मालूम है, तिलक चावला फिर पीछे तक छोड़ेगा नहीं सर सवाल को। सर सर छोड़ना भी मत, अच्छा लगता है आपसे कभी इसी तरह से रूबरू हो जाए सर, सामने सामना सामना तो बहुत कम दिन में होता पर नहीं, मैं देहरादून माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी, जिनका कहना यह है कि आप फोन रखेंगे और मैं तुरंत फोन करूंगा अधिकारी को और कहूंगा कि सड़क को बनाओ, और घोटाला हुआ है इसमें करोड़ों का, इसका जिक्र कर रहे हूं, करोड़ों का घोटाला हुआ है, इस बात का जिक्र पुष्कर खुद मौजूदा विधायक कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, विधायक कह रहे हैं हम भी करेंगे। अब विधायक जी कह रहे हैं कि भैया मुझे मालूम है आपकी पुरानी आदत, छोड़ोगे नहीं मुझे, इसलिए मैं तुरंत फोन कर रहा हूं। क्या बोले विधायक जी? बिल्कुल तिलक, सही बात कही आपने कि क्योंकि राजेंद्र भंडारी के ऐसे ही विधायक थे जनपद चमोली में जब से उत्तराखंड बना है, यदि किसी अधिकारी को या किसी के पास यदि कोई काम कराना हो तो तुरंत फोन करते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी या समझने वाली बात होगी, ये तो आने वाला समय में पता चल पाएगा कि खैनूरी मोटर मार्ग जो चमोली से और जो खैनूरी की ना 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 वो गोली नहीं देंगे,
वो जानते हैं कि अभी फिर दो दिन के बाद फिर उठा के फोन कर देगा, ये फिर उठा के फोन कर देगा। ये 2007 से झेल रहे मुझे, ये तभी ये कह रहे थे कि मेरे भाई मैं जानता हूँ, अभी फोन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही सर, आपने सही बात कही कि किस तरह से लगातार, क्योंकि सड़कों का जाल जो है, कहते हैं कि गांव की जो लाइफ लाइन जो होता है वो सड़कें होती हैं, ब्रांच रोड होती हैं, एनएच से जो जुड़ा हुआ है ये मामला यहाँ पे है, क्योंकि ए साहब भी अभी नए नए आए हैं, इनको जो इससे पहले रुद्रप्रयाग थे उसके बाद इनको धीरे धीरे। नहीं, महेंद्र भट्ट जी अब क्या करें, महेंद्र भट्ट जी समझ नहीं पाए जनता का मिजाज ना, अगर समझे होते तो जनता आंदोलन करके आज इन सड़कों की वजह से उनको विधानसभा से विदा कर दिया ना उन्होंने। तो सवाल यही है कि करोड़ों का घोटाला हुआ तो ये घोटाला हुआ कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने, क्योंकि घोटाला तो सीधे सीधे देखने को मिलता है। कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीने में यहाँ पे 4 पुस्ते लगाए गए थे, लेकिन वो 4 दिन नहीं चले हैं, क्योंकि जब यहाँ के ग्रामीण, सुनिए पुष्कर पुष्कर लगा हुआ है, लेकिन पुष्कर ये हालात है। महेंद्र भट्ट जी आप विधायक रहे इस क्षेत्र के, आपको अगर मेरे सहयोगी फोन करके कह रहे हैं कि आप अपनी बात रख दीजिए, अगर करोड़ों का घोटाला नहीं हुआ तो फिर दिक्कत क्या है? आप पूर्व विधायक हैं, आपको बताना चाहिए कि आपके विधायक होते हुए यह मोटर मार्ग क्यों नहीं बन पाया, और इस मोटर मार्ग को बनाते बनाते किसने अपना घर बना लिया, समझ रहे हैं ना पूर्व विधायक जी मेरी बात को, और इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसने अपने घर बना लिए मोटर मार्ग बनाने के चक्कर में। बहुत कुछ अभी पर्दे के पीछे बाकी है, करोड़ों का अगर घोटाला हुआ तो यह घोटाला किसने किया, किसकी शह पर हुआ, और यह सड़क नहीं बनेगी पुष्कर तो ग्राउंड जीरो पर फिर खड़े हो जाना, मैं यही हूंगा, भंडारी जी को भी फोन मिलाएंगे और भट्ट जी को भी सुनाएंगे और रावत जी से भी पूछेंगे और चीफ इंजीनियर साहब के पास तो फोन चला गया होगा, विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे भंडारी जी। ये है न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम। बिल्कुल बिल्कुल तिलक, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जब इससे पहले हमने खबर उठाई थी लासी मजोठी वाले सड़क की, हमने खबर उठाई थी तो उस खबर का संज्ञान जो है विभाग ने भी लिया और शासन ने भी लिया है, यहाँ तक यहाँ पे चीफ इंजीनियर PWD AEJ सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इस पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। और तिलक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कल ये खबर उठाई थी और आज ये चली है, तो अभी से मुझे गाँव नंदप्रयाग का है, नंदप्रयाग गाँव ग्वाई का, ग्वाई बोलते हैं इसको, ग्वाई गाँव है, वहाँ के लोगों का भी जो है मुझे फोन आने बैठ गया कि आप जो है हमारे गाँव की ओर भी आइए। बिल्कुल न्यूज परिवार, क्योंकि आप उस परिवार का हिस्सा है, आपके साथ सब खड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया पुष्कर। पुष्कर ग्राउंड जीरो से ऐसी ही खबरें आप देते रहिएगा और यह बता दीजिएगा वहां की आवाम को, जनता को, अभी एक लिंक आएगा उस पर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अधिकारियों को उसमें कमेंट लिखकर भी भेजेंगे। अधिकारी तभी करते हैं जब कमेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो अधिकारी और जागेंगे। कमेंट ज़रूर करवाइएगा इन गांव वालों से और उनको बोलिएगा बस हमें दुआ दें, सिर्फ दुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। बद्रीनाथ के विधायक ने कहा कि विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा, करोड़ों का घोटाला हुआ है, मोटर मार्ग बनकर रहेगा, छोड़ूंगा नहीं, और जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि तुरंत काम शुरू होगा, नहीं होगा तो फिर इस मुद्दे को लेकर आपके बीच। यही है मेरा गांव मेरे देश की। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।